Hey everyone, it's Yashart Sharma here and guys, welcome back to another video. Guys, मैं अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ. मैंने उसको अभी एक प्रॉपर नाम नहीं दिया है, बट उस सेगमेंट में I'll be talking about car news and I'll be talking about topics related to cars like if a new car launches, I'll be talking about it here. I don't have that much reach कि मुझे ब्रांड्स खुद से उनके लॉन्च इवेंट्स पे बुलाएं. एंड मैंने अभी तक के इसका नाम नहीं डिसाइड किया है एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड दिस इज़ द एपिसोड number one of this series, so let's get started. And yeah, before that I also want to thank all of those people jinne abhi abhi join kiya hai apne channel ko, jinhone abhi abhi subscribe kiya hai. Thank you so much guys for subscribing. Okay, so that's it, let's start the video. So the first news of the week that I'm going to talk about is of the new Volvo S60, which is about to be launched by Volvo in India in March 2021. And अभी आप आपकी स्क्रीन्स पर वो वीडियो देख रहे होंगे Volvo S60 का, which looks pretty good. इसकी जो हेडलाइट है वो थॉर के हैमर से इंस्पायर्ड है, वो काफ़ी कूल लगती है. पीछे से भी इसका लुक काफ़ी डिफरेंट लगता है सेगमेंट के किसी और कार से, which is a really good thing. And इसके alloy wheels looks so good. And जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक होता है वॉल्वो की कार्स का. काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं उसमें, स्पेसिफिकली सेफ्टी फीचर्स, अ लॉट ऑफ देम आर देयर. देर विल बी ओनली वन पेट्रोल इंजन, विच इज़ अ 2 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसिंग 190 हॉर्स पावर एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वॉल्वो S60. एंड आई वॉन्ट दिस शो टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, सो आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल इन द बिगिनिंग इट्सेल्फ कि मैंने खुद से नहीं ड्राइव करी है कार्स. ये जो BMWs, Mercedes एंड सब के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा ये जो ओपिनियंस हैं ये सारे मेरे मेजरली बेस्ड है मैं जो आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं जो रिव्यूज़ पढ़ता हूँ उस पर. आई हैव एक्चुअली रिव्यूड सम कार्स बाय माई सेल्फ प्रैक्टिकली लाइक इन रियल लाइफ. दोस काइंड ऑफ वीडियोज़ यू कैन फाइंड इट ऑन द आई बटन, आई थिंक इट्स हियर. सो द सेकेंड न्यूज़ वी हैव इज दैट द न्यू महिंद्रा थार हैज़ स्कोर्ड 4-star सेफ्टी रेटिंग फॉर बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी इन ग्लोबल NCAP, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. जो जीप रैंगलर है जिसका मैं भी फ़ैन हूँ और काफ़ी सारे लोग होंगे फ़ैन, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था क्रैश टेस्ट में. उसमें आई थिंक इट्स स्कोर्ड ओनली 1 or 2 stars. सो महिंद्रा हैज़ डन रियली रियली वेल इन दी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट. सो अ ह्यूज थम्स अप फॉर महिंद्रा एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सेफर कार्स फॉर इंडिया. Alright guys, so the third news is of the BMW X5 M competition, which is launched in India at ₹1.94 crore ex showroom. Looks pretty good and aggressive for an SUV. What do you think of it? So guys, the BMW X5 M competition is powered by a 4.4 liter V8 twin turbo V8. It produces 625 horsepower, 715 newton meters of torque, which takes this big SUV from 0 to 100 in just 3.8 seconds, जो कि काफ़ी फास्ट है फॉर एन SUV. टू बी ऑनेस्ट इट्स अ सुपर SUV कैटेगरी. एंड इसके मेन जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं अपनी ऑडी RS Q8, Porsche Cayenne Turbo S. So these are the two cars that are direct competitors to this BMW X5 M competition. And ये लॉन्च हो गई है एंड इट लुक्स रियली एग्रेसिव. एंड क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, विच परफॉर्मेंस SUV विल यू बी बाइंग इफ यू हैव ₹2 crores इन योर बैंक अकाउंट लाइंग एंड यू हैव टू बाई अ सुपर SUV, सो विच वन विल यू गो विद? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. माई पिक माइट बी दी Audi RS Q8. सो या दैट्स इट. सो द फोर्थ वन गाइज, Toyota Innova Crysta facelift has been launched. First of all, it gets a new grille, redesigned front bumper with parking sensors, diamond cut alloys and a larger touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, and a new sparkling black paint job. So that's it for the facelift model. And iske price bhi bada diye hain Toyota ne by ₹70,000. So what do you think?
Will you still go for the Toyota Innova Crysta, or will you be waiting for the Tata Gravitas? Gravitas, the 7-seater Harrier. Will you be waiting for that, or will you go for this? Let me know in the comments. And moving on to the fifth car news of the week, which is that Tata Gravitas, which is a 7-seater Harrier. It was about to launch during Diwali season, but uska jo launch hai wo delay ho gaya hai. Wo early 2021 mein launch hoegi. Might be bad news for those who are waiting for the 7-seater Tata Harrier. So I'd say just wait a little bit more. It's a really good, I think it will be a really good product. It's the flagship SUV from Tata. So I think it's gonna be good, because Harrier bhi kafi acha product raha hai Tata ki side se. So I think the Tata Gravitas will be another great product from Tata. Moving on to the sixth news of the week, guys. Jeep Compass facelift 2021. So here are some images of the Jeep Compass 2021. Jo headlights hai, unka design thoda sa change ho gaya hai. Aur interior mein kafi kuch nayi cheeze hai. As you can see, guys, jo infotainment hai na, वो काफ़ी बड़ा कर दिया है इन्हें. जो टच स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, और जो ड्राइवर्स डिस्प्ले होता है ना वो फुली डिजिटल है. एंड चाइना में ये एक्चुअली लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी. चाइना में ये लॉन्च हो गई है, तो वहाँ से ये फ़ोटोज़ आई हैं. एंड या ये थोड़ा बहुत ऐसा ही लुक होगा उसका यहाँ पे जब इंडिया में जब ये लॉन्च होएगी नेक्स्ट ईयर. सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल द सिक्स न्यूज़ दैट आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक. If you're new to the channel, then consider subscribing. If you liked it, then you know what you have to do. Give it a thumbs up and leave a comment below. And that's it, guys. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Yeah. You in the next one. All right. Which SUV will you buy if you, which is, which you, which,